शर्म आनी चाहिए। कहते फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई, तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई, तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई, तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई, दुनिया भर के रस्म और रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। ओ बेहया सुन तो सही, कम से कम ज़बान को लगाम दे, तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तकबाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया, और तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? तेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना, लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना, और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बता उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो? हमें हया नहीं आती, हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चली है रस्में, अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई, सही बात है, बेगैरतियां हो गई, और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी, और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही, मुझे बता तो सही बेहया, तेरे दरवाजे पे दामाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी, तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी, और ये तो वो काम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम, मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है, अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बता उसके घर में बरकतें कहां से आती हैं? है, सही बात है, जिंदाबाद, बता तो सही, सही बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो एक दिन मरना गए, अपने आप को धोखा मत दे, दावे के साथ कहता हूँ मुझसे बड़ा बरेलवी कोई मिंबर पे नहीं है, और हुजूर का बेटा बैठा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम अगर तुमने हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया तो मरने को मर जाओगे, मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं। सही बात, लिख लो मेरी बात, और जब कयामत में मुलाकात होगी तो पता चलेगा। शर्म नहीं आई इस दीन के लिए कौन सा दुख ना उठाया हुजूर ने? शर्म आनी चाहिए, मेरी बेटी ने भी की 3 बेटियां नहीं, 1 बेटी नहीं, 4 बेटियां हुजूर की हैं, 4 बेटी, लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा का तज़किरा ज्यादा क्यों? इनको हुजूर का साथ सबसे ज्यादा मिला, क्या बात, हुजूर का जमाना इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा, समझ रहे ना? और छोटी बेटी थी, और हर माँ बाप को छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते, सही बात, सबसे ज्यादा प्यारे छोटे बच्चे होते, सबसे ज्यादा जमाना पाया, इसलिए ज्यादातर तज़किरा हज़रत फातिमा का, वरना कुर्बानियां हुजूर की और बेटियों की भी कम नहीं है, बेशक, और बेटियों की भी कम नहीं है हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, 1 चादर मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा को दी थी, और 1 चादर मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम को दी थी, तुम क्या जानो? हमें तो बस ये है कि हमारे ये जो रस्म और रिवाज है ये पूरे होने चाहिए, हुजूर के दीन का जो चाहे हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मती बन हुजूर का उम्मती, कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा अपनी जगह सच है, लेकिन मुझे बता तो सही कहाँ कहाँ गुलामी रसूल दिखाई दी? सिर्फ सर्दे के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कबूल है, सिर्फ बिरयानी के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कबूल है, सिर्फ 12वीं के लंगर पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कबूल है। गुलामी ये नहीं, गुलामी ये थी कि तेरे दरवाजे पे बारात आई थी, अगर कहा था ना किसी ने कि इस्तकबाल कराना है तो कह देता गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। और कह बेहया, यहाँ बेहयाई नहीं, हमने बेटी निकाह में दी है, बेची नहीं, जी नहीं, सही बात, हाँ हाँ, बेची नहीं, बेची नहीं। वो कैसे बाप थे खुदा की कसम, वो कैसे हया का दौर था। और सुन तुझे बताऊं इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी कौन है।
मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत मेकअप करके गैर महरम की तरफ जाती है, हुजूर फरमाते वो औरत बदकार है। सही बात। सुन सुन, अगर कोई तुझसे कहे तेरी बेटी वहां फैशन करके खड़ी थी, हो सकता तू कह देगा कि मौलवी इल्जाम लगा रहा है, इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी बेटी पे ऐब लगाया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं जो भी औरत से मेकअप कर करके गैर महरम के सामने आए, हुजूर फरमाते वो बदकार औरत है। अब बता तो सही, जब तेरी बेटियां नए अजनबी आदमी के सामने शादी के मौके पर मेकअप करके बाल डाल के दुपट्टे सरों से नीचे डाल करके गैर महरम के सामने आते होंगे, तो मुझे बता तो सही जो नबी तेरा मेरा दुरूद सुनता है, क्या हुजूर इसको नहीं देखते होंगे जिसने तुझे जलसा करते देखा है? क्या जब तेरी बेटी नंगे सर होती होगी तो क्या हुजूर को ख्याल नहीं आता होगा? और क्या ख्याल मुस्तफा को नहीं आता होगा? हुजूर सोचते होंगे इस काम के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, इस काम के लिए मैंने राहों के कांटे चुने थे, इस काम के लिए मैंने लोगों की गालियां सुनी थी, ताकि आज ये बेटियां मैंने इनको सीने से लगाने का हुक्म दिया था ताकि ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर सके। ओ खुदा के वास्ते सुन इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी क्या है। अल्लाह अकबर। सुन हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की एक शहजादी है, चेहरे पर नकाब डाल के गुजर रही है, आज नकाब पे भी बड़ी आग लगी हुई है, कहते यहां नकाब उतारो वहां नकाब उतारो, इस्लाम की शहजादी हो, अब तुम्हें मुस्तफा की बेटी का कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, हुजूर की शहजादी की कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया नकाब उतारने पे आई है। लोगों ने नकाब के खिलाफ एहतजाज में जिन्होंने नकाब उतारने की बात की, लोग उनके मुकाबले में औरतों को रोडों पे लेके आ गए, उनके हाथों में बैनर दिए, कहा कि नकाब हमारा हक है। मैं कहता हूं रोड पे किससे कहने जा रहे हो नकाब हमारा हक है? उनसे कह रहे हो जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं है, उनसे कह रहे हो जिनका सदर भी नहीं छुपता है कि नकाब हमारा हक है। ओ खुदा के वास्ते घर से ना निकल, बैनर ना संभाल, तुझे खुदा का वास्ता, अगर एहतजाज करना है तो ऐसे कर जिसने आज तक नकाब ना पहना था, उनसे कह दो जब भी निकला करे पर्दे में निकला करे ताकि दुनिया समझ जाए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के तबाह होगे उतना ही हरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। मस्जिद में गए, इमाम के पैर का अंगूठा हिल गया, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। हमने देखा इनकी आस्तीन ऊपर सरकी हुई थी, इनकी नमाज नहीं होगी। वो अल्लाह के बंदे अपनी पढ़ने गया था या उसकी ताकने गया था? लोग कहते हैं कि दूसरे की आंख का मैल नजर आ जाता है लेकिन अपने गरेबान के धब्बे नजर नहीं आया करते। ख्याल करो, किसी पे उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो हम किस जगह पे हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। वो 313 थे, अल्लाह अकबर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीख कुरान होकर, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, हमसे तो वादा किया गया था कि तू मोमिन बन, हम तुझे इज्जतें देंगे, महबूब के दामन में आ, हम तुझे जमाने से ऊंचा कर देंगे। हमने कलमा भी पढ़ा लेकिन रुसवा हो गए, हमने नमाजें पढ़ी लेकिन रुसवा रह गए, हमने सजदे किए लेकिन जलील है। आखिर वादे का क्या हुआ? आज भी काबे से आवाज आती, नादान जो हमने वादा किया था तूने वो वादा पूरा ही नहीं किया। वादा पूरा ही नहीं किया तूने। क्या हमें शर्म आती है? कितने मैरिज हालों में आप जाइए तकलीफ होती है, मुसलमान है हम मुसलमान, किसी मैरिज हाल में आप जाइए तो शर्म से खाना नहीं खा पाएंगे अगर आप हया वाले। हाँ, और शरीफ आदमियों का तो शादी में काम ही नहीं रह गया। पहले कम से कम बारात में मर्द चला करते थे, अब तो औरतें भी गाड़ी भर भर के जा रही हैं। वहीं पे बेगैरत की रोटी, वहीं पे इस बदचलन का खाना, और किसी के सर पे न टोपी न दुपट्टा है। आज कहते हैं ऐसी तालीम कर दो कि बेटियां दुपट्टे ओढ़ लें। मैं कहता हूं ये दौर कब बदला? ये दौर तब बदला जब बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने अपने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। आज से तू मुस्तफा की सर पे सुन्नत समझ के साफा बांधना शुरू कर, खुदा की कसम आज ही से तेरी बेटी दुपट्टा पहनना शुरू कर दे। सही बात है, हक हक, बहुत अच्छा बात। हम सोच रहे हैं हम कहां गए, हमें ख्याल है, ख्याल है, ख्याल है। बुलाओ ऐसा मुकर्रर जो कुर्सी हिला के चला जाए, ऐसा हो जो मूंड बना के चला जाए, तमाशे बना रखे हैं जलसे, और यहाँ मूंड बनाने नहीं, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। वाह वाह वाह, तकदीर बनाने आया करो।
और ये सोच के आया करो अगर कोई मौलवी हमारी कमी बताएगा तो उसे दूर करेंगे, दूर करेंगे ताकि मर के कब्र में पहुंचे और हुजूर पूछे जिंदगी कैसे गुजार के आया, तो शर्म से नहीं फख्र से सर उठा के कहेंगे हुजूर जैसा तुझे सुना था वैसे ही जिंदगी गुजार के आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम से कम ये सोच लेके जलसों में आया करो। लेकिन आज खूब नारे लगेंगे और लोग कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, तमाम माई खिला के फेंक गया है, ये कमाल है, कमाल है। और सुन मेरे जैसे कितने खतीब आए और चले गए, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र हमेशा तक बाकी रहेगा। बेशक हक। ख्याल करो अपने तरीके बदलो, अपने किरदार बदलो, मुस्तफा की गुलामी का दामन मजबूती से थामे रहो, मजबूती से थामे रहो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, खुदा के वास्ते बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जरा देखो तो सही किस किस की हिम्मत नहीं हो रही है, और दाएं बाएं देखो बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। और बेटियों तुमसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो यहाँ है सुने और जो घर है वो सुने, खुदा के वास्ते आज बेटियों के जो कदम बहक रहे हैं या तो हुस्न को लेके बहकते हैं या दौलत को लेके बहकते हैं या शोहरत को लेके बहकते हैं। किसी भी लड़के के जाल में लड़की कब फंसती है, जब उसे दौलत का लालच दिया जाए, गाड़ी और बंगले का लालच दिया जाए या उसे शोहरत का लालच दिया जाए। बेटी तेरे लिए दुनिया का कोई भी मर्द वो इज्जत नहीं दे सकता जो सैयदा फातिमा के बाबा ने तुझे इज्जत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रह गई बात इन छिछोरों के इश्क की, इन मजनुओं के दीवानगी की, कहते हैं कि कदम जमीन पे नहीं रखने देंगे, और तू इन बातों में आके बह गई। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, जो प्यार तुझे बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मर्द तुझे प्यार दे नहीं सकता। वाह वाह वाह। नारे तकदीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुराद आबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन मजनुओं का प्यार झूठा है, इनके दावे झूठे हैं। जिस दिन तू नजर से गिरेगी ये तुझे ठोकर भी नहीं लगाएंगे, लेकिन बाप के जिगर से पूछ खुदा की कसम, जिसका तू मुंह काला करके चली गई, जिसे तू जमाने में रुसवा करके गई, और तुझे बाप की कुर्बानियों की याद नहीं आई, और जब तुझे तेरे किसी चाहने वाले ने ऑफर किया मेरे साथ चल मैं तुझे दुनिया की शौकतें दूंगा, और तूने उस बाप की मेहनतें भुला दी और जो खुद टूटी चूती को सिल के पहनता रहा, लेकिन तेरे बदन पे कभी पैबंद का कपड़ा नहीं आने दिया, जिसने पट्टी टोपी को सुल के पहना लेकिन तेरे सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने दिया, और जो खुद लोगों की गालियां खा के तेरे लिए हलाल के लुक्मे लाता रहा लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए, जब तेरे कदम बाप के खिलाफ उठ रहे थे तब तुझे बाप की कुर्बानियां याद क्यों नहीं आई, तब तुझे बाप की मोहब्बत याद क्यों नहीं आई, और तुझे खुदा का वास्ता अगर दुनिया का कोई भी सर फिरा तुझे कोई भी लालच दे तो एक बार नजर उठा के बाप के चेहरे को देख लेना, अगर वो जीता है तो तेरा चेहरा देख के जीता है, वो हंसता है तो तेरे मुस्कुराहट को देख के हंसता है, तू रोती है तो बाप रो देता है, अगर तू इसकी इज्जत रोंद के चली गई तो तेरे ख्याल तक में ये बात नहीं आएगी कि तेरा बाप सोसाइटी में सर नहीं उठा पाएगा, तेरा बाप तेरी सोसाइटी के अंदर किसी से दो बातें नहीं कह पाएगा, तेरा भाई चलेगा मोहल्ले में लेकिन गर्दन झुका के चलेगा, खानदान की जब बात आएगी लोग कहेंगे रहने दो जी उस खानदान की बेटी तो नाक कटा के चली गई। ए बेटी सुन तू क्या है, खुदा की कसम बाप का वकार तू है, भाई का शियार तू है, खानदान की आबरू तू है, बस्ती की इज्जत तू है, अगर तू भटकेगी तो खानदान चला जाएगा, अगर तू मुस्तकम हो जाएगी तो खुदा की कसम तेरी होगी आने वाला आज भी गुलाम गौस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने दूंदाबाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मर जाना लेकिन किसी मजनू के लिए बाप को मत छोड़ना। और मैंने यहाँ तक देखा है बेटियों को, खुदा की कसम जो बाप को ठोकर मार के चली गई, चार महीने अपने आशिकों के साथ गुजारे और जब उसने ठोकर मारी तो दुनिया में कोई सीने से लगाने वाला ना था, और फिर जब पलट के आई तो इसी बूढ़े बाप की दहलीज थी, फिर जब लौट के आई तो इसी के सफेद बाल आंखों के सामने थे, इसने ये कह के धक्का नहीं दिया कि तू मेरा मुंह काला करके गई, इसने बेटी को बेटी की नजर से देखा, रो के आगे बढ़ा, कहने लगे बेटी जो तूने किया था वो तेरा किरदार था, आज जो मैं कर रहा हूं ये एक बाप का किरदार है। हाँ
खुदा की कसम तुम कितना भी प्यार दे लो बाप से ज्यादा प्यार नहीं दे सकते। हक हक नहीं दे सकते। बाप बाप होता है और कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह सलामत रखे। बात आ गई तो बता दूं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त करना। कड़वी है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब के आगे वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूँ खुदा के वास्ते। अगर आज के जलसे के बाद तुमने